बात करेंगे गिरिडीह की, जहां दो भाइयों की मौत मामले में बड़ा ट्विस्ट सामने आ गया है। घटना गावा की है, जहां दो भाइयों की मौत के मामले में आरोप है कि सगी बहन और उसके ससुर ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल दोनों भाइयों ने बहन से 1 लाख रुपए उधार लिए थे और वो लगातार पैसों की मांग कर रही थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे चुकी थी। दबाव में दोनों ने 40,000 रुपए लौटाए भी थे, लेकिन इसी बीच कलह बढ़ने लगा। आरोप है कि रात में दोनों भाइयों के खाने में बहन ने जहर दे दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। हालांकि परिजन दोनों के पोस्टमार्टम से इनकार कर रहे हैं। इधर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो देखिए, दो भाइयों की मौत हुई। पहले तो ये मौत लग रही थी, स्वाभाविक मौत लग रही थी, कारणों का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब जो आरोप सामने आ रहे हैं वो ये कि बड़ी बहन ने दोनों भाइयों को जहर देकर मार डाला। घर पर खाना खाने के लिए बुलाया और खाने में जहर मिला दिया, जिससे एक की मौत तो इलाज के दौरान हो गई, लेकिन दूसरे को जब रांची रेफर किया गया था उसकी भी मौत हो गई। दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। ये पूरी कहानी है इस तरह की। दोनों भाई कर्नाटक में मजदूरी करते थे, 1 लाख रुपए उन्होंने कर्ज ले रखा था अपनी बहन से, लेकिन अभी लॉकडाउन के पहले जब वो वापस लौटे तो 40,000 रुपए बहन को लौटाया भी, क्योंकि 1 लाख रुपए को लेकर काफी विवाद चल रहा था। बहन लगातार पैसे देने के लिए दबाव बना रही थी और पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी। और इसी बीच देखिए, दोनों भाइयों को बहन ने खाने पर बुलाया और जहर दे दिया। आरोप है कि बहन और उसके ससुर ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे सहयोगी श्रीकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, ये तो बड़ा ट्विस्ट आ गया इस मामले में, जहां ये मौत लग रहा था कि जहर खाने से मौत हुई होगी, लेकिन ये तो बहन पर ही आरोप लग रहा है कि बहन ने जहर दे दिया है। देखिए, जो मामला है इससे पूरे गांव में कहें हम कि मातम पसर गया है, और सबसे बड़ी बात है कि परिवार के लोगों पर ही, यानी कि अपनी सगी बहन पर ही आरोप लगा है कि उसने अपने ससुर के साथ मिलकर जो है दोनों भाइयों को खाने में जहर मिलाकर दिया था। पारिवारिक विवाद चल रहा था, पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। अब पुलिस मौके पर पहुंची है और हर बिंदुओं पर जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। लोगों जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर ये जो विवाद है वो किन बातों को लेकर चल रहा था, और जो शव है उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद भी बहुत सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा, लेकिन पुलिस जो है वो हर बिंदुओं पर जो है अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है। लेकिन इस घटना के बाद से कहें तो हम, इस घटना ने सारे गाँव वालों को झकझोर कर रख दिया है। रिश्तों का कत्ल हम इसे कह सकते हैं कि अगर ये घटना सच्ची है तो फिर इस कोरोना काल में जो चल रहा है, एक तो लोग ऐसे ही परेशान है, लेकिन इसमें रिश्तों का कत्ल जो है अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई जो अपनी सगी बहन ने अपने भाइयों को जहर दे दिया। क्या जो आरोपी बहन है और जो उसके ससुर है उन्हें डिटेन किया गया है, क्या उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ हो रही है उनसे? देखिए, पुलिस दोनों जो आरोपी, जिस पर आरोप है बहन पर और ससुर, वो और जो संदिग्ध लोग हैं उन सभी लोगों से पुलिस अलग अलग पूछताछ कर रही है। उनसे जो विवाद है उसका कारण पूछा जा रहा है, पुराने विवाद को लेकर क्या बातें चली आ रही थी उनका भी कारण पूछा जा रहा है। तो अभी लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है और बहुत कुछ जो है वो साफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद भी हो जाएगा, लेकिन पूछताछ जारी है और पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी यहाँ पर करी है। और पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे, लेकिन आरोप जो है वो बहन और उसके ससुर पर है। चलिए, अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पूछताछ चल रही है, लेकिन ये बड़ा ट्विस्ट के बहन पर ही आरोप लग रहा है कि उसने अपने दोनों भाइयों को जहर दे दिया, और मामूली इसे विवाद में पैसों को लेकर विवाद चल रहा था और इसी को लेकर अपने ससुर के साथ मिलकर उसने ऐसा हत्या की वारदात को अंजाम दिया है।